now we have to do your next part. What is that? Classification of non-verbal communication. What is non-verbal communication? कल हमने बात की थी. What is non-verbal communication? सारा बात कर रहे हैं. हाँ. और उसके अलावा sign language. अब वो किस तरह से होता है? कई बार होता है कि we have to see the body language. What is that? Body language means एक तो होता positive vibes. Negative vibes. एक होता है negative vibes. Like suppose some you are explaining something to somebody. आप किसी से कोई बात कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, वो आपकी बात में डिसइंटरेस्ट शो करे. एक तो होता है इंटरेस्ट, एक होता है डिसइंटरेस्ट. व्हेन अ पर्सन शोज डिसइंटरेस्ट तो नेगेटिव वाइब्स यू फील कि हाँ ये तो मुझमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा या मुझसे बात करने में उसका रिस्पांस ठीक नहीं है. एक होता है पॉजिटिव वाइब्स. तो बॉडी लैंग्वेज में ये एक पार्ट जरूर होता है कि यू रियली अंडरस्टैंड द वाइब्स विच इज कनेक्टेड बाई द अदर पर्सन टूवर्ड्स यू. उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज में ये भी होता है जेस्चर्स. ठीक है, जेस्चर्स में होता है कि किस तरह के हाव भाव है. ठीक है, किस तरह के हाव भाव है उस पर्सन के. उसके अलावा ये चीज बहुत इंडिकेट करती है कि हाउ द अदर पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स यू. उनका रिस्पॉन्स क्या है और आपका रिस्पॉन्स क्या है. नेक्स्ट होता है स्पेस लैंग्वेज, देन इज टाइम लैंग्वेज, पारा लैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज. सो वील बी स्टडिंग ऑल दिस के ये सब कुछ क्या होता है. सबसे पहले एक आती है वर्ड दैट इज नोन एज स्किन टिक्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज. व्हाट इज दैट? ये क्या होता है? इट मींस बॉडी मूवमेंट, बॉडीली मूवमेंट, जेस्चर्स. जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी जेस्चर्स. बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पेशली इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन. ठीक है, जब आप किसी के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि जेस्चर्स आपके तभी पता लगते हैं. जैसे सपोज करो आई एम टॉकिंग टू मैम, तो अगर सपोज करो बात करते हो मैं अपने मोबाइल में बिजी हूँ ये वो, तो शी विल गेट अ सिग्नल दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू हर. ठीक है, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वेन एवर यू ऑल विल बी वर्किंग या आप काम कर रहे हो, इफ़ यू आर टॉकिंग टू योर कलीग्स, इफ़ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर टॉकिंग टू योर बॉस, काइंडली पुट द फोन डाउन बिकॉज दैट गिव्स द अदर पर्सन इम्पैक्ट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन माई टॉक. जब आप फोन हाथ में लेके दूसरे से बात कर रहे हो वो दूसरा पर्सन आपसे पुट ऑफ हो जाता है और उससे सबसे बेसिक चीज़ आपके मैनरिज्म शो करते हैं कि आप में खुद के मैनर्स की कमी है जब फोन में हाथ में लेकर उस पर्सन से बात कर रहे हो. सो स्पेशली फेस टू फेस कम्युनिकेशन एज हियर इट इज कम्युनिकेटेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक फेशियल एक्सप्रेशन. जो मैंने सबसे पहले बात बोली थी फेशियल एक्सप्रेशन. ठीक है, आप किसी को देख के मुंह बना लो, ठीक है, तो उससे वो पहले ही पुट ऑफ हो जाएगा. ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू कम्युनिकेट विद यू. नेक्स्ट इज आई कॉन्टैक्ट, आई मूवमेंट. आपकी आई मूवमेंट कैसी है? आप इधर उधर देख रहे हो. कई लोगों की आदत होती है इधर देखना उधर देखना वाइल टॉकिंग. वो एक बहुत बैड सिग्नल होता है टू द पर्सन हु इज रेसिप्रोकेटिंग टू यू. व्हाट इज रेसिप्रोकेटिंग? बच्चे खुद पूछा करो. रेसिप्रोकेटिंग मीन्स आप आपस में इंटरेक्शन. जैसे मैं रोहिणी से बात करी, रोहिणी मुझसे बात करी, शी इज रेसिप्रोकेटिंग टू व्हाट आई एम सेइंग. इफ आई एम आस्किंग हर समथिंग शी विल आंसर, इफ शी इज आस्किंग मी समथिंग आई विल आंसर. सो दैट इज रेसिप्रोकेटिंग बिटवीन ईच अदर. सो आई कॉन्टैक्ट इज अ मस्ट. जब आप आंख से आंख मिला के बात नहीं करते आपकी एक और नेगेटिविटी शो होती है उस पर्सन को. बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज इज रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट, फीलिंग एंड पोजिशन. आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज को एक और ब्रिटिश वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड गेट, GATE, गेट. एक तो गेट होता है ना गेट लगाना, एक होता है गेट. ठीक है, एक होता है गेट, सॉरी गेट लगाना, एक होता है GAITE, गेट. दैट इज योर बॉडी मूवमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर, हाउ यू आर वॉकिंग, हाउ यू आर टॉकिंग, हाउ यू आर मेकिंग थिंग्स एक्सप्रेस टू द अदर पर्सन. तो ये चीज़ आपकी बहुत होती है, फेशियल एक्सप्रेशन, पोजिशन, मूवमेंट, कैसे आप सामने वाले के साथ बैठे हो, क्रॉस लेग बैठे हो. कई लोगों की आदत होती ऐसे बैठना. We always tell students ऐसे मत बैठो. That means कि I am close to your conversation. Close means बंद, मुझे आप में interest नहीं. Always be open with other person. Next is all bodily movement, posture, gesture, etc. guided by thought process, emotion, etc. Yes, of course. आपके thought process, आपकी emotions, कि आप किस emotion के साथ अगले person के साथ interact कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो सब कुछ reflect करता है. By nodding our head, blinking our eyes, waving our hands, shrugging our shoulders and various other ways, we send out signals and messages that are often speak louder than words. Yes, कई लोग होते हैं ना, you must have seen, ऐसे करके बात करते हैं, अपने ऐसे कर लेते हैं, नई interest, eye movement इधर उधर, वो सब signals हैं जो दूसरे person को मिल जाते हैं कि कितनी interest है इसको मुझसे बात करने में. ठीक है,
ठीक है. अब वो पर्सन आपको हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा या वो आपको अवॉइड करेगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल्स यू आर सेंडिंग टू दैट पर्सन, राइट. दैट इज व्हाई दिस एरिया ऑफ इंक्वायरी हैज बीन कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज. जस्ट अ लैंग्वेज आउट सेट्स अ सिंबल ऑफ कन्वेइंग मैसेज आवर बॉडी कॉन्शियसली एज वेल एज अनकॉन्शियसली और इंस्ट्रक्टिवली कैरीज मैसेज एटीट्यूड्स एंड रिलेशनशिप. यस, आपकी बॉडी जो है, एक तो है आपने कॉन्शियसली, कॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियस होता है कि देर आर टू टाइप ऑफ माइंड. एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस होता है कि आप जानते बूझते सब कुछ कर रहे हो. अब मेरे को पता है जानते बूझते आई नो कि आई एम नॉट टू हिट समबडी, कॉन्शियसली मैं हिट कर दूँ, बल्कि मैं समझदार हूँ, आई नो इट के हिटिंग इज अ क्राइम, मैं हिट कर दूँ, कॉन्शियसली हिट किया, दैट मीन्स आई एम रॉन्ग. सबकॉन्शियसली इन इंटेंशनली होता है कि अचानक से धक्का लग जाए, ओह सॉरी लग गया, वो इन इंटेंशनली सबकॉन्शियसली, कि मेरा इरादा नहीं था पर ये हो गया, ठीक है. सो आपके दोनों कॉन्शियसली एज वेल एज अनकॉन्शियसली आपकी जो बॉडी मूवमेंट, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, फीलिंग, इमोशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये वो सब कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज से शो हो जाता है. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज. वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज? इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होता है. इफ यू आर शोइंग इमोशंस, जेस्चर्स, पॉजिटिविटी, दैट गिव्स एन इम्पैक्ट टू द अदर पर्सन. दूसरे पर्सन पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है. उसके अलावा यू कैन प्ले फास्ट और लूज विद वर्ड्स, बट इट इज हाउ मच डिफिकल्ट विद जेस्चर्स. सबसे ज्यादा जो साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट जो बॉडी लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं, वो क्या बताते हैं कि आपकी मूवमेंट, आपके जेस्चर इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी साइन लैंग्वेज क्या है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है फेशियल एक्सप्रेशन. ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई, मुंह बनाना, ये वो, साइड में देखना, नीचे देखना, वो सब नेगेटिविटी शो करता है. पर अगर आप किसी को फ्रंट में सामने देख के बात कर रहे हो, किसी से आई कॉन्टैक्ट करके बात कर रहे हो, थोड़ा स्माइल करके बात कर रहे हो, पर ये भी नहीं कि दूसरे को देख के दांत निकालना शुरू कर दो, मैडम ने तो ये सिखाया था कि भी स्माइल करके, तो ही ऐसे भी नहीं करना, ठीक है. मतलब एक पॉजिटिव लिटिल स्माइली, और हर एक के साथ आप वार्मली मिलो, ग्रीट करके मिलो, आपकी आई कॉन्टैक्ट सही हो, बराबर हो, पॉजिटिवली देखो, और स्पेशली ये सब हैंडल मत करो, दैट गिव्स अ पॉजिटिव वाइब. अगर आप उसके ऑपोजिट हो, दैट मीन्स यू आर अ नेगेटिव पर्सन एंड द अदर पर्सन विल स्टार्ट अवॉइडिंग यू. आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, बॉडी शेप एंड पॉस्चर, आप किस तरह से बैठे हो सामने वाले के साथ बात करते हो, आप ओपन बैठे हो या क्लोज बैठे हो. इफ यू आर सिटिंग इन अ क्लोज, स्पेशली जिन लोगों ने आगे हेड्स का काम करना है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या आपने आगे चल के जैसे बिजनेस की डीलिंग्स करनी है, जब आप मीटिंग्स करो कुछ भी, नेवर सिट लाइक दिस, आपकी बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, ठीक है. अपियरेंस, आपका अपियरेंस कैसा है, किस तरह से आप, यू शुड बी वेल ड्रेस्ड, वेल बिहेव, वो सब चीज़ें, ठीक है. ये एक बहुत पॉपुलर सेइंग होता है, द फेस इज एन इंडेक्स ऑफ हार्ट. कई लोग कहते हैं ना कि आपका चेहरा ही मन की किताब होता है, बिकॉज आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आपका मन कैसा है, ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन दैट वी कन्वे सो मेनी मैसेजेस. आप बहुत सारे मैसेजेस फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू नेक्स्ट पर्सन को दे देते हो, जब आपका जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है वो चीज़ बता देता है किस टाइप की आपकी है. ये आप एग्जाम्पल पढ़ लेना. उसके बाद होता है फेस एंड आईज आर द मोस्ट एक्सप्रेसिव मीन ऑफ बॉडी कम्युनिकेशन, लाइक हैप्पीनेस, सरप्राइज, फियर एंड एंगर. जब आप किसी के साथ खुशी से मिलते हो, हैप्पीनेस, जब आप सरप्राइज, ठीक है, सपोज करो किसी का बर्थडे है, आप सडनली जाके उसको विश करते हो, उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप आ जाओगे, सडनली आप जाकर विश करो, कोई चीज़ ले जाओ, केक ले जाओ, फ्लावर्स ले जाओ, तो सरप्राइज हो जाएगा. तो वो सब उसका जो एक्सप्रेशन होगा और आपका जो एक्सप्रेशन होगा उस टाइम, ठीक है, फियर, डरना, एंगर, गुस्सा, सो ऑल दीज आर फेशियल एक्सप्रेशंस विच कन्वे योर थॉट्स एंड फीलिंग्स. आपकी क्या थॉट है और आपकी क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स द अदर पर्सन, तो ये सब चीज़ें उससे आपका पोर्ट्रे करती है. वॉट इज पोर्ट्रे करना? दर्शाती है, दिखाती है. सेम इज दिस सैडनेस. सैडनेस मतलब उदासी, ठीक है. डिस्गस्ट, कई बार हो जाते हो डिस्गस्ट, परेशान, इरिटेट, ठीक है. कोई कस्टमर है, पिछले 10 महीने से पैसे नहीं दे रहा, और ऊपर से फिर आके उधार लिए जा रहा है, कई एक पॉइंट पर आकर आप इरिटेट हो जाते हो. जो लोग शॉप्स चलाते हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट्स जो फीस नहीं भरते हैं, ठीक है, तो कई बार आके रोहिणी डिस्गस्ट में, गुस्से में आके, मैडम
आपके इतने बच्चों की अभी तक फीस नहीं आई, तो गुस्से में, डिस्गस्ट में, ठीक है ना, तो वो चीज़ हो जाती है. बिलविल्डरमेंट, वॉट इज बिलविल्डरमेंट, ये बहुत एक पुराना फ्रेज होता है, आई एम टोटली बिलविल्डर्ड विद यू. बिलविल्डर मतलब ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया. सर जैसे सपोज करो सुबह 7 बजे क्लास है और आपकी आँख ही 9 बजे खुली. डिटर्मिनेशन, जैसे आप लोग दृढ़ निश्चय से करो कि यस मैं मेरे एग्जाम्स हैं तो मेरे फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है. जैसे कितने मार्क्स का, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो मैडम के 90 मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 100. तो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ रही हैं कि मेरे पूरे 90 मार्क्स आएंगे. क्या 90 क्या है, तो मैडम ने बोला 99 आएंगे, एक मार्क तो वो काट ही लेंगे. तो वो डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय. कंटेम्प्ट, कई चीज़ों का आप वो होता है कि यस आई एम कंटेम्प्ट विद दिस, मैं बस ठीक हूँ, कुछ नहीं, आई एम ऑल राइट, बेशक मन से ना आई एम कंटेम्प्ट, ठीक है. जैसे ये लोग कर देते कि ठीक है हम कंटेम्प्ट, अभी जितनी आगे फीस ठीक है कोई बात नहीं, बाकी फिर देख लेंगे. स्पेशली रोहिणी हर दूसरे दिन कंटेम्प्ट ही होती है, एक एंगर और एक कंटेम्प्ट, ठीक है. सेम इज दिस आई कॉन्टैक्ट, आईज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ये चाहे आप पढ़ के देख लेना. उसमें क्या होता है, सबसे पहले चीज होती है आईब्रो एंड आईलिड रेस्ड एंड कंबाइंड विद डायलेटेड प्यूपल्स टेल अस दैट द पर्सन इज एक्साइटेड, सरप्राइज, फ्राइटेंड, ठीक है. किसी की आईलिड्स, आईलिड्स क्या होती हैं, आंखों की पलकें. आईब्रोज ये जो हमें होती हैं. उसके अलावा डायलेटेड प्यूपल्स, वॉट इज प्यूपल, जो अंदर आपकी आईबॉल होती है डायलेट हो जाती है, ऐसे सरप्राइज हो जाती है गुस्से से, उससे पता चल जाता है कि आपका दूसरे पर्सन के प्रति कैसा रवैया है. उसके अलावा आईब्रोज विद अपर एंड लोअर आईलिड्स क्लोज्ड एंड कंबाइंड विद कंस्ट्रक्टेड पीपल टेल दैट द पर्सन इज एंग्री और इन पेन. स्पेशली यहाँ होता है ऐसे आके देखना, वो सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन होते हैं कि पता चल जाता है कि इंसान को कितना गुस्सा चढ़ रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. Looking at somebody for a long time shows intensity of our interest in him. If the eyes contract is brief, we take our eyes off the person as soon as it indicates nervousness, embarrassment in the past. Prolonged eye contact can signal admiration. जब आप किसी को स्पेशली मतलब देखने ही बैठ जाओ, आपको कोई फेवरेट एक्टर हो उसकी पिक्चर देख कर आप बिल्कुल खो जाओ. सपोज करो सलमान खान की पिक्चर सामने हो तो मैं बिल्कुल खो जाऊँ, तो दैट शोज एडमिरेशन कि हम इसको एडमायर करते, बस आंखें ना उस पर्सन से हटा सको, तो वो चीज़ होती है एडमायरेशन, कि आप किसी को एडमायर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पसंद करते हो. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ मोर देन 10 सेकेंड्स कैन क्रिएट डिस्कम्फर्ट एंड एंग्जाइटी. हाँ, ये कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर मैं 10 सेकेंड से ऊपर देखती जाऊँ तो ये भी डिस्कम्फर्ट होगी, मैडम क्यों इतना मुझे देख रही है घूर घूर के, ठीक है. तो वो दूसरे पर्सन को डिस्कम्फर्ट होगी और एंग्जाइटी भी हो जाएगी कि ठीक है, वैसे नॉर्मली किसी को आई कॉन्टैक्ट से देखना है समथिंग यू 10-20 सेकेंड तक देखती जाऊँ घूरती जाऊँ तो डिस्कम्फर्ट और एंग्जाइटी होगी कि भाई ये पर्सन मुझे इतना ज़्यादा क्यों घूर रहा है. जनरली पीपल्स आई अप्रोच इज वॉट दे लाइक एंड अवॉइड विच दे डू नॉट लाइक. आई कॉन्टैक्ट बिटवीन स्पीकर एंड ऑडियंस इंक्रीज ऑडियंस असेसमेंट ऑफ स्पीकर एज क्रेडिबल. येस, अगर कोई आपको, आप कहीं पे कुछ देख रहे हो, कोई रैली में जा रहे हो या आप लेक्चर सुन रहे हो, तो जो स्पीकर है जो आपको आई कॉन्टैक्ट, आपको जैसे मेरी आदत है मैं हर सब बच्चों की तरफ ऐसे देख के बोलती हूँ, सपोज ऐसे मुँह करके कोई बोलता जाए, बुक खोल के ऐसे बोलता जाए तो आपको भी डिस्कम्फर्ट और आपको लगेगा कि हमसे आई कॉन्टैक्ट नहीं करा, क्यों, बिकॉज दिस पर्सन डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस. अब ठीक है रीड करके तो नेचुरली बताना है, ठीक है, पर पूरा आपकी तरफ देखकर बोलना, अगर ऐसे करके कोई आपको कुछ कुछ बोलता जाए तो वो कहेगा इस पर्सन में कॉन्फिडेंस की कमी है, दिस पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस मी, कि ये मुझे फेस करते हुए कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रहा. पीपल जनरली मेंटेन मोर आई गेज एंड म्यूचुअल आई गेज टू होज द अप्रूवल to whom they bring good news, to whom they like, they also do with people towards them, it feels positivity. Yes, agar aap kisi ke sath positive ho, then only aap uske sath eye contact ko maintain rakhoge. Kai baar aapko kisi ke liye good news koi hoti khushkhabri, to aapko ye hota hai ki chalo main jaati hi sunata hu, fir kyun hota hai ke fir dekhenge iske face pe kya expression hota hai, usi mein aapko khushi mil jati hai, theek hai. To us time aap positivity kyun hoti hai, kyunki aap kisi ko good news dene ja rahe ho, koi khushkhabri sunane ja rahe ho, aapko hota hai ki phone pe di to kya pata chalega, jaakar hi isko khushkhabri de deta hu, kya hoga usse, ek uski khushi jo uske chehre pe khushi hogi wo mujhe bhi positivity mehsoos hogi. Agar koi mutual aap logon ka kuch aisa hai jisme aapko khushi mile,
आई बिहेवियर कम्युनिकेट्स इन मेनी वेज. इट शोज इमोशंस, इट एस्टैब्लिश रेगुलेशन, इट ऑल्सो मॉनिटर्स फीडबैक एंड सर्वर एज अ रिमाइंडर. आई कॉन्टैक्ट जो होता है, आपको एक रिमाइंडर भी, जो आपका बिहेवियर है वो भी इंडिकेट आई कॉन्टैक्ट से हो जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा, हाउ यू आर बिहेविंग विद द अदर पर्सन. उसके अलावा आपके फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है आई कॉन्टैक्ट, अगर आप किसी के साथ देख कर बात कर रहे हो. जेस्टर्स, नाउ एडिशन टू फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टैक्ट, अनदर थिंग इज kinesthetic use of gestures. Gestures are physical movement of arm, leg, hand, torso and head. Arms, legs, कैसे आपके साथ कोई person चल के बात कर रहा है, arms के साथ कैसे बात कर रहा है, उसकी पूरी torso. Torso is the full appearance. And head, ठीक है, कोई आपके साथ ऐसे बात कर रहा है या ऐसे करके बात कर रहा है, that all indicates the gesture movement. किस तरह से कोई आपके साथ deal करता है. Next is Ackam and Freston has identified five type of body gestures. Who are these? Ackam and Freston, these are social scientists. इन्होंने पांच तरह के body gestures निकाले. सबसे पहला चीज निकाली उन्होंने embarks. A large number of body movements have come to be identified as substitute for verbal transitions. They often replace verbal message entirely. Such symbol becomes emblems. The list is long and comprehensive and includes 70 of such emblems. What is emblem? चिन्ह. वेरी गुड. चिन्ह कोई चीज का, जैसे हम कहते हैं फ्लावर इज एन एम्बलम ऑफ हैप्पीनेस. फ्लावर एक चिन्ह है खुशी का प्रतीक, ठीक है. जैसे हमारे अशोक चक्र में चिन्ह बने हुए हैं, शेर हमारा चिन्ह है हमारे राष्ट्रीय अशोक चक्र के बीच में, ठीक है ना. एम्बुलेंस के भी, हाँ, वी आर गुड स्ट्रांग नेशन, ठीक है. जैसे आप कहते हैं वाइट कलर इज अ एम्बलम ऑफ पीस, सफेद एक भी किस चीज का, शांति का प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह, ठीक है. सो दैट इज एम्बलम. Almost 90 to 100 types of emblems are there. जैसे कि ये few examples दिए हुए हैं यहाँ पे. Patting of the stomach, I'm full of food. Nodding of the head, ये आप सच्चा है पढ़ लेना. Scratching of the head, कई लोग कहते हैं ना, भाई यार, जैसे मैं mostly करती हूँ, बाफीस क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, किस किस बच्चे को reminder दें, ठीक है, तो confusion. उसके अलावा clapping hands, किसी चीज़ का आप क्लैप हैंड करते हो तो आप खुशी अपील, या किसी को विश करते हो, बर्थडे विश करते हो, क्लैप हैंड करते हो, बर्थडे सॉन्ग तगाता हर इंसान, ठीक है. उसके अलावा टैपिंग फिंगर अगेंस्ट द स्कल, मैं सोच रहा हूँ ऐसे से करते ना, करो हो ये करना था, तो ये तरह के एम्बलम्स हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है. दिस यू कैन रीड बाय योर सेल्फ. नेक्स्ट इज इलस्ट्रेटर्स. They are directly tied with verbal language. These gestures illustrate the words which the speaker is saying. When a speaker says, "My third and final point is," and hold up three fingers, the gesture is illustrator. Illustrator, जैसे मैं mostly करती हूँ, मैं अपने हाथ से कई बार, मेरी habit है ये, कुछ भी explain करना है तो अपने हाथों को use करती हूँ, या अगर कोई point समझाने तो मैं बाण, जैसे वो कहते हैं कि हाँ जी ये first point ये है, second ये है, third, this is illustrating, trying to tell, क्योंकि लिखकर से इससे अच्छा ये चीज कई लोग use करते हैं, क्योंकि लिखने में अगर एक एक पॉइंट को लिख लिख कर करें उतना ही आपका टाइम लगेगा. एक तो आपके पास ये चीज़ नोट्स हैं, दूसरा साइन लैंग्वेज के साथ भी लोग काम कर, इलस्ट्रेशन से लिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, टेंथ पॉइंट, ठीक है. नेक्स्ट इज रेगुलेटर्स. रेगुलेटर कैन कंट्रोल ओरल कम्युनिकेशन बाय अलर्टिंग द सेंडर टू द नीड ऑफ हरी अप, स्लो डाउन और रिपीट समथिंग. रेगुलेटर, कई बार आप कहते हो जल्दी करो ये चीज़ पे, जल्दी करो, हरी अप, स्लो करो, कई बार होता है ट्रैफिक होती है, ठीक है, तो आपके साथ अगर आपको कोई एल्डर है, वो जैसे मैं इसे थोड़ा सा हो गया कि मैं थोड़ा ट्रैफिक में डरती हूँ, कई बार ताहिर बाइक वगैरह चला रहा हो तो मैं डर जाती हूँ, तो कहती हूँ भाई स्लो कर, एक उम्र का भी हो जाता है. आप लोगों की 15-20 साल के बच्चे तो झट से फास्ट चलाते हो, इस एज में आके थोड़ा इंसान डर लगता है, तो क्या हमारे साथ कोई बच्चा होता है तो हम कहते हैं स्लो करो, स्लो डाउन, ठीक है, तो वो भी एक फेशियल एक्सप्रेशन भी उस वाइज शो होता है, जेस्चर भी, कि हमें डर लग रहा है, होता है. Next is display. This indicate emotional state that says anger, embarrassment and usually occur in facial expression. Display is like three previous types, control on them. People, for example, have felt their faces turning red because they were angry or embarrassed. कई बार ऐसा होता है कि आप लोग बड़ा गुस्सा होते हो, embarrassment हो जाती, गुस्से होते हो, और उस वक्त आपका face किसी और color, बिल्कुल red हो जाता है, गुस्से में लाल होना, ठीक है. जैसे suppose कोई छोटे भाई बहनों से आपकी झगड़ा हो जाए, आप कोई चीज़ लेके आए हो, आप नया मोबाइल खरीदा, कई बार होता है, और वो छुपा दे, ये वो आपको परेशान करे तो गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है ना,
Yes. Next is adapters. These are gestures over people which have little control. Frequently, people are not conscious of performing such gestures, shifting a yawn, clasping the hand in fear. This is automatically not planned. कई बार not planned जैसे अचानक कोई call आ जाए, ठीक है वो planned नहीं होती है, हम कई बार call काट देते हैं, कई बार हम कहते हैं कि चलो हम call receive कर लेते हैं. तो adapter इस तरह होता है जो कि जैसे आपको कई बार उबासी आ जाए, ये पता नहीं होता अपने आप आ जाए, yawn करना means उबासी आना, ऐसे करते हो ना वो चीज. नेक्स्ट इज पॉजिटिव gestures. पॉजिटिव gestures क्या होते हैं? लर्निंग अ लिटल towards, लीनिंग अ लिटल towards स्पीकर. इसका क्या मतलब हुआ? जो आपसे बात कर रहा है उसकी तरफ थोड़ा सा लीन करके सुनना, उसकी बात को गौर कर से सुनना. टिल्टिंग द हेड, सर घुमाना. आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर, येस आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, जो आपसे बात कर रहा है मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट. दीज आर ऑल पॉजिटिव, यही मैंने चीज़ आपको पहले बताई थी, ठीक है. जेंटली नॉडिंग द हेड, गुड स्पीकिंग जेस्टर्स होते हैं. कीपिंग द हैंड्स ओपन, हाथ खुले रख के जो हम लोग बात करते हैं गुड स्पीकिंग जेस्टर्स में आता है. ऐसे करके कभी नहीं, और ये चीज़ तो कभी भी नहीं, ठीक है. हाथ खुले करके बात करना, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव, एक स्पीकर की पॉजिटिव चीज़ होती है. ऑलवेज कीप योर हैंड्स ओपन. अवॉइडिंग क्लचिंग देम और फोल्डिंग देम अक्रॉस द चेस्ट, वही जिस बारे बात की, अवॉइड क्लचिंग देम या फोल्डिंग देम टूवर्ड्स द चेस्ट, ये बहुत नेगेटिव होता है. तो अवॉइडिंग, अवॉइड करो हमेशा, कभी भी ऐसे मत करो. वॉकिंग विद हेड अपराइट, हैंड स्विंगिंग फ्रीली बाय साइड. वॉकिंग विद हेड अपराइट, सर सीधा हो, ठीक है. हैंड स्विंगिंग करती रहती हूँ, हाथ स्विंग करते रहे. एंड फ्रीली बाय साइड, साइड में फ्रीली हाथ स्विंग, ये बहुत पॉजिटिव एक इम्पैक्ट होता है. और एक स्पीकर जो कि गुड स्पीकर, गुड ऑरेटर, ऑरेटर एंड स्पीकर इज द सेम, ये उसकी पॉजिटिव क्वालिटी होती है. नेगेटिव जेस्टर्स इंक्लूड बॉडी मूवमेंट विच गिव नेगेटिव इंस्प्रेशन, लाइक हैंड इन द पॉकेट, जेबों में जो लोग हाथ डालते हैं. कवरिंग द माउथ विद हैंड वाइल स्पीकिंग, ऐसे करके जो लोग बैठे रहते हैं, तो मैं कहती हूँ हाथ नीचे करो, ठीक है, जो ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ है. स्क्रैचिंग, ऐसे ऐसे करते रहना. बाइटिंग नेल्स, नाखून चबाते रहना. ग्लैंसिंग साइडवाइज, ऐसे इधर उधर देखना, ये सब नेगेटिव चीज़ें. ड्रमिंग फिंगर्स, ऐसे ऐसे करते रहना, ठीक है. उसके अलावा टैपिंग द फीट, अपने पैर बजाते रहना. क्रॉस्ड आर्म्स एंड लेग्स, फिर वही बात आ गई, क्रॉस्ड आर्म्स एंड लेग्स, लेग भी एक के ऊपर एक रख के बैठते हैं, वो भी नेगेटिव होता है. सेटिंग द हेयर विद हैंड्स, बार बार अपने बालों को हाथ लगाते रहना. ऑल दिस इज नेगेटिव. स्पीकिंग टू फास्ट, स्ट्रेटनिंग द टाई, क्लियरिंग थ्रोट टू ऑफन, ब्लिंकिंग आई अलॉट, आंखें बार बार ऐसे ऐसे करते रहना. क्लिकिंग द पेन, जो लोग अपना पेन ऐसे ऐसे करते रहते, बहुत एक नेगेटिव चीज़ होती है, बहुत नेगेटिव, पेन बार बार अपना बजाते रहते हैं. प्लेइंग विद पेपर वेट, एडजस्टिंग द ग्लासेज विद द नोज, हेड बॉडी शेप एंड पॉस्चर, तो ऑल दीज आर नेगेटिव साइंस, ये आप आगे पढ़ भी सकते हो.